दोस्तों आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। हमारी क्रिश्चियनिटी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका फोकस एरिया कहाँ है और कैसे ये काम करती है। क्या अब इस क्रिश्चियन मिशन का नया लक्ष्य उत्तर बिहार में क्रिश्चियनिटी को फैलाना है, जहाँ की इनकी संख्या अभी काफी कम है? अगर हम इनके ट्रेंड को देखते हैं तो इनका अगला लक्ष्य यही है। फोकस है कहाँ पे? अगर इसको आप नक्शे पर देखते हैं, एक बर्मा, फिर बर्मा से जब आप नीचे उतरते हैं तो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इसके बाद जाकर के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का एरिया आता है। फिर अगर आप उससे थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो बांग्लादेश का एरिया आता है, जहां कि अभी आपने सेंट मार्टिन देखा था, जिसके कारण शेख हसीना को अपनी गद्दी गंवानी पड़ी। इसके बाद बिहार का एरिया आता है, जो कि नॉर्थ बिहार का एरिया है और साउथ बिहार का एरिया। और अगर आप थोड़े ऊपरी हिस्से में जाते हैं तो थोड़ा सा एरिया नेपाल का भी वो लेना चाहता है, जहाँ की लगातार अनवरत 1627 ईस्वी से प्रयास चलते चल रहा है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा, साहित्य और कला के क्षेत्र में क्रिश्चियनिटी ने बहुत ही ज्यादा काम किया है। नॉर्थ ईस्ट तो इसका उदाहरण है, जहाँ की शिक्षा का स्तर ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में इतना ऊपर गया है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पर यह शिक्षा उनको दिया गया, उनसे उनकी आइडेंटिटी छीन ली गई, तब जाकर के उन्हें शिक्षा दिया। ऐसा नहीं था कि ये आकर के काम करते और क्रिश्चियनिटी को नहीं फैलाते और उन्हें शिक्षित करते। अगर आपके सामने जो नक्शा अभी खुला हुआ है उस पर अगर आप ध्यान से देखें तो यह कन्वर्जन का खेल कहाँ कहाँ चल रहा है। जो आपका मौर्यन एम्पायर था और या मगध एम्पायर था, उसके जहां तक क्षेत्र थे, उस क्षेत्र के नक्शे पर अगर हम देखें तो धर्मांतरण जो है वो अफगानिस्तान में भी हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ, थोड़े नेपाल में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ, वेस्ट बंगाल, ऑल 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, इसके बाद जाकर के बिहार। बिहार का अब दो टुकड़ा हो चुका है, एक है बिहार और एक है झारखंड। तो झारखंड के पॉपुलेशन को भी हमें देखना पड़ेगा, हमें बिहार के भी पॉपुलेशन को देखना पड़ेगा कि कितने कितने लोग क्रिश्चियंस बने हैं, और फिर हमें वेस्ट बंगाल में भी देखना पड़ेगा कि कितने लोग क्रिश्चियंस बने हैं, कौन से वो जाति प्रजाति के लोग थे जो कि ये क्रिश्चियन बनने की कवायद में शामिल हुए। तो ये जो है ज्यादातर ऑस्ट्रेलॉयड, कॉकेसॉयड और इंडो मंगलॉयड, इस प्रजाति के, इस अनुवांशिक स्टॉक के जिसको रेस करते हैं, इसकी लगभग 200 प्रजातियां हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अवेलेबल है। ये बहुत वल्नरेबल और बहुत गरीब लोग थे, और इनके बीच में इनके जो लोकल रिलीजन थे, ट्राइबल रिलीजन जिसको कहते हैं, वह एग्जिस्ट करता था, जो कि ओटके टोटके अंधविश्वास इसके आधार पर चलता था। तो यह एक वल्नरेबल ग्रुप था जहाँ की क्रिश्चियनिटी को फैलाने की बीड़ा उठाई गई। फिर बिहार का अगर आप क्षेत्र देखते हैं, ये मान लें कि वेस्ट बंगाल जो है उसके साथ जो बांग्लादेश है वह भी कभी कालांतर में बिहार का ही पार्ट था, तो क्या हुआ, तो ये जो बांग्लादेश का क्षेत्र था यहाँ पे भी बहुत गरीबी थी, कन्वर्जन का बहुत तेजी से खेल चल रहा था, लेकिन कन्वर्जन का ये कॉम्पिटिटिव कन्वर्जन था। ये कॉम्पिटिटिव कन्वर्जन से मेरा तात्पर्य ये है कि इनका धर्मांतरण के लिए दो धर्म लगातार प्रयास कर रहे थे, और उन दो धर्मों के बीच में ही सबसे ज्यादा संघर्ष चल रहा था कि कैसे, एक तो था कि कैसे इसको मुस्लिम बनाया जाए और दूसरा था कि कैसे इसको क्रिश्चियन बनाया जाए। तो क्रिश्चियनिटी ने एक पॉकेट बरो को तय किया कि कहां कहां उसको काम करना है, जहां की उसको ट्राइबल बेल्ट में घुसना है। तो सबसे ज्यादा छोटा नागपुर का जो पठार है, जहां पे की ट्राइबल कम्युनिटीज कई है, वहां पे इन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बढ़ाने की कोशिश की, फिर म्यांमार में कोशिश की इन्होंने, और कुछ हिस्से नेपाल का और बिहार का, उत्तरी बिहार का वह क्षेत्र जो कि गरीबी से जुड़ा हुआ था। लेकिन वहां पे उत्तरी बिहार का अगर आप दरभंगा का क्षेत्र देखते हैं या मधुबनी का क्षेत्र देखते हैं तो वह धार्मिक रूप से एक समृद्ध क्षेत्र था, क्योंकि सीता माता का क्षेत्र था, तो लोग वहां पे एक तरह से आप कहें कि धार्मिक ज्यादा थे, तो वहां कन्वर्जन करना थोड़ा कठिन था। तो इसलिए उससे वो नीचे उतर करके जो ये पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इसका क्षेत्र आता है, यहाँ पे उन्होंने काम करना शुरू किया। अब हम जरा समझते हैं कि ये जो नॉर्थ बिहार में क्रिश्चियन मिशनरी ने ऑपरेट करना शुरू किया, यह कहाँ कहाँ से ऑपरेट करता है और कैसे आपके एरिया को धीरे धीरे यह कंट्रोल करने में लगा हुआ है। तो इनके जो मुख्य टारगेटेड एरिया है वह पटना, बेतिया, भागलपुर,
बक्सर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। तो यानी नॉर्थ बिहार को ये बहुत ही अच्छे तरह से जकड़ने में बहुत लंबे समय से लगा हुआ है। लेकिन इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनका जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है, उसको अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत स्लो तरीके से ऑपरेट करते हैं। और फिर जब इनके आका का, जो कि अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज में बैठे हुए हैं, उनका जब इंस्ट्रक्शन आता है और फंड आता है, तो इनको ये बताया जाता है कि इसमें से किस जिले में आपको अपनी गतिविधि को अब बढ़ाना है। इसके लिए ये कई स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे भी फाइट करते हैं, ताकि सरकार को, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, उसको भी ये दबाव में रख सके, ताकि वह ज्यादातर बोल न सके। तो जिस समय में आपके देश की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब रहेगी, आप वर्ल्ड बैंक या कहीं और पैसे लेकर के जा रहे होंगे, जहाँ की एक तरीके से आपका टेटुआ दबा होगा, उस वक्त में इनकी एक्टिविटी अपने सवाब पर। और फिर इनको लॉन्ग टर्म गोल भी दिया जाता है कि कब और कैसे ऑपरेट कर। इनके जो पैटर्न वह भी बड़ा ही यूनिक है। इनके जो कुछ लोग हैं जो कन्वर्ट करते हैं, उनको ये क्रिश्चियन धर्म को फैलाने में लगा देते हैं, और उनको ये आपके अपने क्षेत्र से हटा करके दूसरे क्षेत्र में भेज देते हैं, ताकि उनके बारे में चर्चा पर चर्चा उस क्षेत्र में ना के बराबर हो, क्योंकि उनका चेहरा ही नहीं दिखता। तो एक तो हो गए जो कि उस मिशन को आगे बढ़ाएगा, दूसरा कुछ लोगों को ये साइलेंट क्रिश्चियन बना करके रखते हैं, जो कि आपके साथ आपके धर्म में घुल मिल करके काम करेंगे। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये क्रिश्चियन बन गए, वो डॉर्मेंट स्टेज में बैठे रहते हैं, और आगे जब इनको कोई मिशनरी टास्क दिया जाएगा, जब इनकी मृत्यु होगी, तब आप देखेंगे कि अचानक से इनको दफनाया जा रहा है, तब आपको पता चलता है कि ये आदमी जो है हिंदू धर्म या इस्लाम को छोड़ करके क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुका है। इनका काम होता है, ये एक साइलेंट वर्कफोर्स की तरह काम करते हैं, और यह आप देखेंगे कि गांव घर के चर्चाओं परिचर्चाओं में एक तरीके से वह धर्म तो हिंदू धर्म का पालन करेंगे, लेकिन वह क्रिश्चियन धर्म की बड़ाई अच्छाई उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जाए और आपके धर्म को नीचा दिखाया जाए। ये आपके धर्म में रहते हुए आपको नीचा दिखाते हैं, और आपको इसलिए डाउट नहीं होता कि ये प्रैक्टिस आपके हिंदू धर्म को ही कर, लेकिन बखान वो क्रिश्चियनिटी की कर। और फिर तीसरा इनका होता है जिनको ये विजिबल कर देते हैं, जो एपरेंट होता है, जिनको कि ये क्रिश्चियन बन सकते। ज्यादातर जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग कन्वर्ट करते हैं, उनको ये तीसरी कैटेगरी में रखते हैं, जहाँ की वो सीधे आपके सामने करते हैं, जिनसे कि आप लड़ न सके, क्योंकि वो स्टॉट बिल्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, और एक बोली बोलने वाले लोग होते हैं। तो एक बार उन्होंने अगर इस धर्म को कबूल कर लिया, तो फिर आप उसको डिगा नहीं सकते, उसे पीछे नहीं हटा सकते, और फिर उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे भी धर्मांतरण के प्रक्रिया में यह देखा गया है कि नया नया जब आप किसी धर्म को कबूलते हैं, तो उस धर्म के लिए आप फैनेटिक होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप फैनेटिक होते हैं, आप दूसरे से मरने मारने को तैयार होते हैं। और जो नेचुरल बर्थ लेता है किसी धर्म में, चाहे वो क्रिश्चियन में ही क्यों ना बर्थ हुआ हो, चाहे वो इस्लाम में ही क्यों ना बर्थ हुआ हो, चाहे वो हिंदू में ही क्यों ना बर्थ हुआ, उनके लिए वो एक स्वाभाविक रिलीजन रहता है, जिसके लिए उन्हें उसे डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उनके जीवन पद्धति में रहता है। दोस्तों, अब हम जरा जानने की कोशिश करें कि ये जो बिहार में है, ये वल्नरेबल ग्रुप कौन सा है। तो ज्यादातर ये SC और ST कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन अगर आप नॉर्थ बिहार के कंपोजिशन को देखें, तो वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन आज से अगर हम 50, 100, 200 वर्ष पहले की बात करें, तो कम हुआ करता था, लेकिन SC ST पॉपुलेशन जो है वो यहाँ एग्जिस्ट करता था। दो घटनाएं बिहार में देखने को मिलती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो बांका का क्षेत्र है और जो आज के झारखंड बन गए हैं, वहाँ जितने ट्राइबल कम्युनिटी हैं, उनका एक माइग्रेशन देखने को मिलता है। वो माइग्रेट करके नॉर्थ बिहार में सेटल डाउन हुए हैं, और वो अब काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे रह रहे हैं। इस ट्राइबल को अंग्रेजों से काफ़ी अच्छा एफिनिटी था, क्योंकि इनको खेती करने के लिए, टी गार्डन के लिए, इस एरिए से, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के एरिए से ले जा करके नॉर्थ ईस्ट में भी बसाया गया है, जिसको कि टी ट्रैवल के नाम से आजकल जाना जाता है। वही ट्रैवल नॉर्थ बिहार में भी आकर के बसे। इसका मतलब इनके पास तो एग्जिस्टिंग SC ST का वल्नरेबल ग्रुप था ही, जो न्यू माइग्रेंट ट्रैवल आकर के यहाँ पे सेटल डाउन हुए थे, उनके बीच में भी इनको अपने धर्म फैलाने का एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो चुका था। अब जरा आपके स्क्रीन पे जो नक्शा खुला हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से इनका कंट्रोल मैकेनिज्म है।
तो अब जरा पटना से शुरू करें और पटना से शुरू करते हुए आप जरा पढ़ना शुरू करें। पटना जो है वो नालंदा को भी कंट्रोल करता है, शेखपुरा को कंट्रोल करता है, लखीसराय को कंट्रोल करता है, जमुई को कंट्रोल करता है, जबकि भागलपुर जो है वो बांका को, मुंगेर को, इसको कंट्रोल करता है। फिर कटिया पूर्णिया जो है वो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इस सबको कंट्रोल करता है। उसी तरह से पटना जो है वैशाली और मुजफ्फरपुर को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से अगर आप इस पूरे एरिया को देखें और जरा बेतिया को देखें कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण, जहां से कि एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी ने इंटर किया था। तो बेतिया डिवीजन जो है वो पूर्वी चंपारण को करता है, वो सीतामढ़ी को भी कंट्रोल करता है, गोपालगंज को कंट्रोल करता है, सिवान को कंट्रोल करता है, और फिर आप उत्तर प्रदेश के बाउंड्री में लग जाते हैं और पटना से ही जो है वो भोजपुर और बक्सर कंट्रोल। तो ये एक काफी बड़े क्षेत्र को क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए कंट्रोल करते। इन सारे जगहों पर आपको क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल मिलेंगे और इन सारे जगहों पे अलग अलग तरह के क्रिश्चियन मिशनरी काम करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी अलग अलग कंट्री ऑफ ऑरिजिन होता है और वो अलग अलग नाम से काम करते हैं और सबका अपना अपना पॉकेट भरो होता है कि तुम्हें यहाँ पे जाके काम करना है, तुम्हें यहाँ पे करना है, तुम्हें यहाँ पे करना है। और लास्ट में जब नेशन स्टेट बनाने की बात आएगी तो हम सभी क्रिश्चियन भाई भाई इसके आधार पे हमें अब अपना एक देश दे दो, इसका एजेंडा चलाया जाए। यही तो वह क्षेत्र है जहाँ की मगध एम्पायर और चाणक्य का जो मौर्य ने, चाणक्य जिसको गाइड कर रहे थे, मौर्य एम्पायर को क्रिएट किया था, उसी का तो ये क्षेत्र था। अब जरा इस नक्शे को ध्यान में आप बैठाएं कि ये कहाँ पे है। तो ये आपका उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, झारखंड की मैंने चर्चा कर रखी है आपसे, दक्षिणी बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का वह क्षेत्र। इसके बाद अगर आप बिहार के नॉर्थ से आप ऊपर उठते हैं तो असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, ये सारा क्षेत्र हो गया। और फिर जब आप नीचे उत्तर की तरफ उतरते हैं तो आप बांग्लादेश करते हैं और बांग्लादेश का ये वही जगह है जो आज चर्चा में है, जिसकी वजह से शेख हसीना को जाना पड़ा है, सेंट मार्टिन आइलैंड, जहाँ की कुछ क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। लेकिन इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वह काफी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये समुद्र की कनेक्टिविटी देता है। अगर बिहार में आकर के कोई बना लेता है अपनी राजधानी तो उसको निकलने के लिए एग्जिट करने में कोई समुद्र नहीं। तो इसको एक ऐसा भी लोकेशन चाहिए जहां से कि इनको समुद्र की एक्सेस मिले, ताकि ये चीन को कंट्रोल कर सके। उसी तरह से ये थोड़ा एरिया म्यांमार का भी और थोड़ा एरिया नेपाल का भी। तो क्या अब आपको समझ में आया कि कितने बड़े खेल की शुरुआत 1627 ईस्वी में हुई है, जो धीरे धीरे अपने परिणति की ओर बढ़ रहा है। एक और डाटा ध्यान करने की है कि ये जो रिलीजियस एक्रीशन करते हैं, मीन्स कब किस धर्म की संख्या को कितनी बढ़ानी है, इसका एक फिक्स एजेंडा पे ये मिशनरी काम करते रहते हैं। जब इनको टास्क दिया जाता है तो जो साइलेंट लोग होते हैं उनको अचानक से ये कन्वर्टेड में दिखा देते हैं और अचानक से पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 1991 और 2001 सेंसस के बीच में यह पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो सब्सटेंशियल ग्रोथ देखा गया। जैसे कि हर कोई एक बार की तरह क्रिश्चियन ही बनना चाहते, उस पीरियड में हिंदू धर्म भी बढ़ा, इस्लाम भी बढ़ा, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, बहुत तेजी से बढ़ी। तो उसको भी समझने की जरूरत है। दोस्तों जरा झारखंड के पॉपुलेशन का जो सेंसस रिपोर्ट है उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें मिलता है कि 2001 ईस्वी में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन था वो 1093,382 का, जो कि अब 2011 का सेंसस रिपोर्ट जो आया उसमें 1,418,608 हो गए, यानी कि 4.06% से बढ़ करके 4.30% हो गए। 2021 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें एक्चुअल पॉपुलेशन का डाटा अभी कंपाइल नहीं हुआ, लेकिन रफ्ती अगर आप 10 साल के गैप को माने तो ये अगर 10 लाख से 14 लाख हो गया है, अगर इसी रेट से बढ़ता हो तो संभव है अराउंड 18-19 लाख या 20 लाख के आसपास ये पॉपुलेशन पहुंच गया। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि ये 4.34% है, अगर यह बिहार का हिस्सा होता तो बिहार में जो आज आपके पास 0.5% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वह कई परसेंटेज के टर्म में कहीं ज्यादा होता या उनकी संख्या कहीं ज्यादा होती। तो ये जो फॉर्मर बिहार है जिसको मगध एम्पायर या मौर्य एम्पायर की बात करते हैं, उस लिहाज से ये पॉपुलेशन एक बड़ा पॉपुलेशन होता है। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण पहलू है उसको और भी बारीक से समझने की जरूरत है कि यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी में किस तरीके से है, इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि उससे आपको ये पता चल सकेगा कि कैसे आपकी कल्चरल आइडेंटिटी पे एक रिस्क बन करके कन्वर्जन खड़ा हो जाता है। दोस्तों झारखंड में करीब करीब 32-34 तरह के ट्राइब्स रहते हैं, जो मुख्य ट्राइब्स हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ।
उसमें से अगर क्रिश्चियन पॉपुलेशन को देखें कि इसमें ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में इनका पेनिट्रेशन कैसे हुआ है और कैसे इनका कन्वर्जन है, तो जो सबसे अलार्मिंग कंडीशन आया है, जो खरिया वहां पे ट्राइब है, तो ये 67.93% जो है इसके क्रिश्चियन कम्युनिटी इसी खरिया ट्राइब से है, जबकि 32.8% जो है वो मुंडा से है, ये 26.16% जो है वो उड़ाव कम्युनिटी से है, चूरिया पहाड़िया है इससे करीब करीब 52% है। तो इस तरीके से अगर आप इनके ट्राइबल पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं तो ये चार मेजर कम्युनिटी है, जिसमें कि सौरिया पहाड़िया है, खरिया है, फिर मुंडा है, फिर उड़ाव है। ये सारे कम्युनिटी में इनकी पॉपुलेशन जो है काफी तेजी से बढ़ी है। अगर यही रेट से बढ़ते रहा तो इस कम्युनिटी की मैं पूछता हूँ कि इस ट्राइबल कम्युनिटी की आइडेंटिटी क्या रह जाएगी, इस पे विचार करने की जरूरत है। अब जरा हम दूसरे ट्राइब्स के बीच में देखते हैं कि उनके बीच में इनका परसेंटेज क्या है। मैंने छोटे छोटे परसेंटेज को मैंने नहीं लिया है, जैसे माल पहाड़िया है उसमें 18.02% है, माहली है उसमें 5.62% है। तो अब हम जरा दूसरे डाटा को देखते हैं। तो अगर आप होल्ड को देखें तो 14.93% उनमें ये कन्वर्जन हो चुका है। उसी तरह से आप गिर्जिया एक ट्राइब है जिसमें की लगभग 2.02% कन्वर्जन रेट है। उसी तरह से जो अशुर है उसके अंदर में 9.25% कन्वर्जन है। उसी तरह से बिरहोर एक ट्राइब है जिसमें 6.7% है। 6.7% हो या 0.13 और इस तरह के जो छोटे छोटे परसेंटेज होते हैं उसमें तो अभी उस कम्युनिटी को पूरी तरह से चेंज होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आप जैसे ब्रिजिया है ये अब रिस्क जोन में जाना शुरू कर दिया है, कौन कम्युनिटी भी रिस्क जोन में जाना शुरू कर दिया है जहाँ की कन्वर्जन रेट काफी ज्यादा है। तो इस तरह से कई सारे झारखंड के ट्राइब है जिनकी की कल्चरल आइडेंटिटी यानी ट्राइबल आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ वह खत्म हो जाएगा। और अगर आप बिहार से इस ट्राइब के पॉपुलेशन को जोड़ें तो बिहार और झारखंड को अगर मिला दें तो एक साइजेबल पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियनिटी में माइग्रेट कर गया है। उसी तरह से आप अगर बंगाल के डाटा को देखते हैं तो इसी तरह से है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट देखते हैं तो तीन स्टेट लगभग 90% क्रिश्चियन पॉपुलेशन के आसपास टच कर रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 करके ये जो चिकन नेक वाला एरिया है और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें लगभग क्रिश्चियनिटी ने अपना पांव लगभग जड़ पूरी तरह से जमा लिया है, जबकि असम में जो है और जो वेस्ट बंगाल है उसमें मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स इमर्ज किए हैं। उसी तरह से जो नॉर्थ बिहार का क्षेत्र है अभी मैं अभी मतलब अभी की बात कर रहा हूँ उसमें से 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ की मुस्लिम समुदाय डोमिनेट करते हैं। अब दोस्तों अगर देश के लिहाज से देखें, इसको धर्म के लिहाज से इस पूरी स्टोरी को आप देखने की कोशिश ना करें क्योंकि मनुष्य को यह फ्रीडम है कि वो कौन से धर्म को मानेंगे, इसमें मुझे कोई प्रश्न नहीं करना है। लेकिन अगर नेशन और मिशन के कॉन्सेप्ट के नजरिए से इस चीज को देखें तो यहाँ का सवाल यह है कि सबसे पहला जो पोटेंशियल थ्रेट नेशन स्टेट का फेस करेगा वो है असम, बंगाल और बिहार का जो नॉर्थ बिहार का एरिया है 9 डिस्ट्रिक्ट, जहाँ की सबसे ज्यादा संभावना है कि सबसे पहले न्यू नेशन स्टेट की डिमांड जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आएंगी, अगर वह भारत में यकीन न करता हो या उन्हें ऐसा महसूस होता हो कि उनके साथ दमनकारी व्यवस्थाएं चल रही हैं या उन्हें विद्रोह करना चाहिए या उन्हें देश से अलग होना चलानी चाहिए ताकि वो अपने को ज्यादा सुरक्षित कर सके। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है अरुणाचल जो है वो बुद्धिस्ट के आधार पर नेशन स्टेट फॉर्मेशन की मांग कर सकता है और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो क्रिश्चियनिटी के टर्म पे मांग कर सकता है। और बिहार जो है चूंकि बिहार अब दो हिस्से में बढ़ चुका है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार अभी जो है वो एक सेट में है और जो बीते दिनों का दक्षिणी बिहार था जो कि अब झारखंड बन चुका है, तो झारखंड में जो नेशनल आइडेंटिटी की बात शुरू होगी क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा शुरू होगी। और बिहार जो मैंने कन्वर्जन और इंक्रीजन की बात की यानी कब जनसंख्या को दिखाया जाएगा कि यहाँ पे ज्यादा हो गई है, तो उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। ऐसा हो सकता है कि 100 वर्ष 200 वर्ष 150 वर्ष ये भी और चलते रहेंगे तब जाकर के ये परिणति में आएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ क्रिश्चियन पॉपुलेशन बढ़ती है तो नॉर्थ ईस्ट के साथ जाकर के ये अटैच हो जाएगा और उधर बांग्लादेश का कुछ हिस्सा अटैच हो जाएगा और बर्मा का कुछ हिस्सा अटैच हो जाएगा और नेपाल का कुछ हिस्सा अटैच हो जाएगा। तो ये एक कंटिन्यूअस एरिया अगर इसको आप मैप पे देखेंगे तो यह एक लगातार क्षेत्र होगा
और फिर एक देश के निर्माण करने की जो प्रक्रिया होगी जिसमें कि ग्लोबल प्लेयर अपना रोल चेस बोर्ड पे प्ले करने लगेंगे, यह थोड़ा आसान हो जाएगा। और सेसेशनिस्ट मूवमेंट इसी तरीके से पैदा की जाती है। आप में से कितने लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि रूस और यूक्रेन का वार पिछले 2 साल से चल रहा है? क्या आपने इस चीज पे ध्यान दिया कि जो डोनेस्क है यूक्रेन का और डोनबास का एरिया जो है जिसपे कि रूस अपना क्लेम करता है, वो किस आधार पर वहां पे रशियन पॉपुलेशन पहले से उन्होंने छोड़ रखा है, उसी पॉपुलेशन को मिला करके तो एक स्वतंत्र क्षेत्र स्वतंत्र निकाय बनाने की बात कर रहा है ताकि वो रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बफर स्टेट अपने आदमी का क्रिएट कर दे। और इस तरीके से एक न्यू नेशन अपने कॉन्सेप्ट में इमरजेंस में आ जाएगा, अपने स्वभाव में आ जाएगा, अपने वजूद में आ जाएगा। तो इस तरीके से नेशन के लिए जो ये कन्वर्जन है ये लॉन्ग टर्म थ्रेट होता है। जहां तक धार्मिक भावनाओं की वो आपकी इच्छा किसी धर्म को माने, लेकिन अगर धर्म को मानते हुए आप अपने देश में यकीन करते हैं, अगर एक राष्ट्र में यकीन करते हैं तो आप चाणक्यन फिलॉसफी को जीते हैं, संजीदगी से जीते हैं। और अगर अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को आपके ऊपर हावी होने देते हैं तो आप फ्रांस के लुई के चरण में जाकर गिरते हैं। तो आपको किसके तरफ जाना है, यह प्रश्न आपको विचार करना है। हमारा काम था कि एक दृष्टिकोण आपके सामने राष्ट्र हित में क्या होता है इसको समझा देना, समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना आपके ऊपर निर्भर है।